नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे, हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश, नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश, नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को सहज कर रखने वाला देश। नेपाल आउंदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भंडा अलग औटा छुट्टे आध्यात्मिक अनुभूति हुंच। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबाजी, श्रीमती आरजू देवबाजी भारत गए थे और जैसा अभी देवबाजी ने वर्णन किया बनारस का काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये सांझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं,
कई शहर के स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। तो भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए हैं।